नमस्कार मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा दसवीं हिंदी विषय के अंतर्गत मंगलेश डबराल का परिचय लेकर आया हूँ तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है जैसे दिया है मंगलेश डबराल जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखी है तो इसके दो बिंदु दिए रहते हैं पहला दो रचनाएँ और दूसरा काव्यगत विशेषताएँ तो इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे तो चलो फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे उत्तर लिख देंगे काले पेन से उसके बाद नीले पेन से उत्तर लिखेंगे मंगलेश डबराल का परिचय ठीक उसके पश्चात पहला बिंदु लिख देंगे दो रचनाएं दो रचनाएं लिख देंगे काले पेन से बाद में लिखेंगे पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता आप मंगलेश डबराल की कोई भी दो रचनाएं लिख सकते हैं जो आपको याद हो और आसानी से सरल शुद्ध लिख पाते हो ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी वही लिखे आपको जो भी सरल आती हो कोई सी इनकी दो रचना है ना चाहे बहुत पॉपुलर हो और कम पॉपुलर हो उसके पश्चात फिर दूसरा बिंदु आएगा आपका काव्यगत विशेषताएं तो ऐसे काले पेन से लिखने के बाद हम नीले पेन से लिखेंगे मंगलेश डबराल के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं तो काव्यगत विशेषताओं के बाद हम पहली एडिंग डालेंगे भावपच देखो रहता क्या पहले तो समझ लो जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके दो प्रकार भेद रहते हैं यानी भावपच और कलापच तो पहला है भावपच तो भावपच हेडिंग डालने के बाद अब उसके अंतर्गत लिखेंगे सामंतवादी विचार का विरोध यानी भावपच के अंतर्गत जो जो आती आप तो ये समझ लो भावपच में लेखक या कवि जिस विषय पर लिखता है उसी को यहाँ पर दर्शाया जाता है तो पहला सामंतवादी विचारधारा का विरोध तो मंगलेश डबराल ने पूंजीपतियों के धोखे छल कपट उसके बाद है फिर झूठ दिखावा और शोषण का विरोध किया है ठीक दूसरा सौंदर्य बोध इनकी रचनाओं में सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण मिलता है तभी तो उन्होंने संगत जैसे कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले कलाकारों की महत्ता को रेखांकित किया है आपको पता है संगतकार का अर्थ होता है एक मुख्य कलाकार और उसके साथ साथ देने वाले कलाकार तो मुख्य कलाकार के अपेक्षा इन्होंने किसको महत्व दिया है संगतकार को जो साथ देता है अब आता है दूसरा बा कला पक्ष तो कलापच के अंतर्गत भाषा शैली छंद रस अलंकार इत्यादि लिखते हैं तो पहला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भाषा तो पहला नंबर डाल के लिख देंगे काले पेन से बासा पहले लिखेंगे नीले पेन से मंगलेश डबराल खड़ी बोली के कवि हैं उन्होंने हिंदी के साथ संस्कृत अंग्रेजी और उर्दू आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया है ठीक है कहने का मतलब ये कि जो मंगलेश डबराल मूल रूप से तो वो खड़ी बोली के कवि हैं लेकिन उस हिंदी के सा, साथ साथ उन्होंने संस्कृत अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है फिर दूसरा आता है बिंदु आपका अलंकारों का प्रयोग इसे काले पेन से लिखने के बाद नीले पेन से लिखेंगे मंगलेश डबराल के काव्य में रूपक उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है ठीक है इतना लिख देंगे देखो अब इसमें जो दिया है अनप्रास रूपक उपमा उत्प्रेक्षा तो आपके मन में आएगा क्या इन्होंने सिर्फ इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया नहीं इन्होंने मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया है और दूसरे अलंकारों का भी प्रयोग किया उनका प्रयोग कमरा होगा अब तीसरा बिंदु आता है आपका छंदों का प्रयोग तो काले पेन से लिख लेंगे नंबर डाल के छंदों का प्रयोग फिर नीले पेन से लिखेंगे डबराल जी ने अपनी रचनाओं में छंद के बंधन से मुक्त काव्य की रचना की है अब ऐसे समझ लो जो कविताएं लिखी जाती दो तरह से होती एक छंद के आधार पर और दूसरी छंद से मुक्त यानी एक छंद से छंद बनाकर लिखी जाती हैं तो छंद से बंदी होती हैं और दूसरी छंद के बंधन से मुक्त जो निराला जी हैं उन्होंने छंद मुक्त रचनाओं की परंपरा डाली थी बाद के कवियों में फिर बाढ़ आ गई क्योंकि छंद में लिखना कठिन होता है और छंद बिना छंद के लिखना बहुत आसान होता है अब अंत में फिर आप लिख देंगे साहित्य स्थान तो साहित्य में स्थान काले पेन हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे नीले पेन से मंगलेश डबराल साहित्यकार कार्य नहीं फिल्म और संगीत के बारे में अच्छी समझ रखते हैं उन्होंने समाज के अछूते विषयों पर भी काव्य रचा है उनके साहित्यिक कार्यों को हिंदी जगत हमेशा याद करेगा ये हो गया अब इस परिचय को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप ये जो डब्ल्यू .in .in पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं तो ये आपका हो गया मंगलेश डबराल जी का परिचय तो ये पूरा परिचय देख लेते हैं किस प्रकार से दिखाई देता देखो इस तरह से उत्तर दो रचनाएँ कावगत विशेषताएँ भावपच्छ सामंतवादी विचार का विरोध फिर अगली सौंदर्य बोध फिर उसके बाद कला पच, कला पच में भाषा फिर दूसरा अलंकारों का प्रयोग छंदों का प्रयोग साहित्य में स्थान इस तरह से ये आपके सामने पूरा मंगलेश डबराल का परिचय हो गया जैसा कि मध्य प्रदेश कक्षा दसवीं बोर्ड में पूछा जाता है अगर उसके बाद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और पूछ सकते हैं और ये भी बताइए कि आपको परिचय कैसा लगा तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद